मैं जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार से हूँ और आज मैं जो कविता सुनाने आया हूँ वो मैंने माँ सीता के जीवन पर लिखी है। आपका प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूँ अपने इस कविता के प्रति, चूँकि मैं पहली बार किसी बड़े मन से पढ़ रहा हूँ। आपका सादर प्रेम और आशीर्वाद चाहता हूँ। तुम निकली धरा के गोद से, तुम निकली धरा के गोद से, खेल उठी सारी दुनिया प्रमोद से, बदल दिया बादलों के चाल को, दूर किया विकराल अकाल को। गूंज रही सारे जग में तुम्हारी किलकारी थी, तुम जानकी थी, तुम सीता थी, तुम जनक दुलारी थी। बचपन पता नहीं तुम्हारा कब बीता है, स्वयंवर में वर चुनने को बैठी अब सीता है। शिवधनुष पर कोई प्रत्यंचा चढ़ा न सका, जनक दुलारी की तरफ कोई कदम बढ़ा न सका। श्री राम ने जब प्रत्यंचा चढ़ाया धनुष को तान के, सीता भी चल दी उन्हें अपना वर मान के। फिर पुत्री के विदाई का वो मार्मिक क्षण भी आ ही गया, मानो ऐसा लग रहा था सबकी आंखों में गंगा जल समा ही गया। फिर पुत्री के विदाई का वो मार्मिक क्षण भी आ ही गया, मानो ऐसा लग रहा था सबकी आंखों में गंगा जल समा ही गया। दूसरी ओर अर्थात अयोध्या में, दूसरी ओर उत्सव है, गीत है, संगीत है, सोचता हूँ दुनिया के रीत कितने विपरीत है। पर उसका जीवन कहाँ महारानी सा खास था, छोड़ दिया महल का सारा वैभव जब राम को मिला वनवास था। सोचा होगा बिना जीवन साथी के 14 साल जीऊंगी कैसे, जहां मेरे स्वामी नहीं वहां का पानी तक पीऊंगी कैसे। परनियति को कहां यह भी मंजूर था, शायद नियति को अपने नियति होने का गुरूर था, छीन लिया सीता से राम के साथ को। परनियति को कहां यह भी मंजूर था, शायद नियति को अपने नियति होने का गुरूर था, छीन लिया सीता से राम के साथ को। उस समय वो लक्ष्मण भी नहीं था जो काट देता सीता की ओर बढ़ने वाले हाथ को। रोज रोती थी सीता अशोक वाटिका में पति वियोग से, रोज रोती थी सीता अशोक वाटिका में पति वियोग से, और राम भी ग्रसित थे इसी रोग से। एक दिन पता चल ही गया राम को सीता का संयोग से, अब कौन बचा सकता था रावण को राम के प्रकोप से। फिर रावण का जब अंत हुआ सीता के हृदय में आनंद अनंत हुआ। पर बोल रामायण तूने कैसी शिक्षा दी, सीता जैसी नारी की तूने अग्नि परीक्षा ली। फिर मिलन हुआ सीता और राम का, सीता ने शायद सोचा होगा कि ये क्षण होगा उसके दुखों के विराम का। परनियति बड़ा क्रूर था, उसे फिर से सीता को राम से करना दूर था। प्रजा दोष के कारण जब राम ने सीता का त्याग किया, तपा बैठी खुद को जब विधाता ने जीवन को आग किया, इस काल में भी स्वावलंबी बनने का सूत्र दिया, रघुकुल को लवकुश सा महाप्रतापी पुत्र दिया। जब लवकुश ने कथा सुनाई होगी राम दरबार में सांसों को थाम के, सीता का जीवन सुन के कैसे आंसू नहीं निकले होंगे राम के। जब लवकुश ने कथा सुनाई होगी राम दरबार में सांसों को थाम के, सीता का जीवन सुन के कैसे आंसू नहीं निकले होंगे राम के। जब कहा होगा हम ही है पुत्र सीता के, क्या राम ने नहीं सोचा होगा कैसे जिया होगा बिना पिता के। फिर प्रजा ने कह दिया पुत्र हो सीता के इस बात का मत ज्ञान दो। फिर प्रजा ने कह दिया पुत्र हो सीता के इस बात का मत ज्ञान दो, तब आई सिया राम दरबार में कौन होगी सीता सी पतिव्रता इस संसार में। उस समय भी रक्षा की उन्होंने अपने आत्मसम्मान की। अगर लवकुश है पुत्र श्री राम के तो फिर से धरा में समा जाएगी ये जानकी। श्री राम को वो क्षण याद आया होगा जब वो खड़े थे सिया से मुख मोड़ कर, समा गई धरा में सिया, चली गई संसार को अब छोड़ कर। भला किसने ऐसे जीवन को जिया होगा जो त्याग सिया ने किया वो फिर किसने किया होगा। भला किसने ऐसे जीवन को जिया होगा जो त्याग सिया ने किया वो फिर किसने किया होगा। पर यह प्रश्न तो उठता है कि दोषी कौन था। दोषी नियति थी या यह जग जो मौन था।